नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 आर्थिक स्थिति से, संतान योग से, धन के मामले में कैसा रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है कर्क राशि वालों के लिए। अगर हम इस समय देखें तो कुंभ राशि यानी कि कुंभ राशि पे शनि देव, देखिए शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो देखिए शनि देव की स्थिति अष्टम स्थान पे विराजमान है, वाणी को देख रही है। इस समय बोल चाल में, बोलने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसा ना बोल दे जो बाद वक्त की स्थिति बन जाए। वहीं पर आपको वाहन चलाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्म स्थान पे देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, वहीं पर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं यानी कि नए मकान के, नए वाहन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य स्थान पे राहु देव विराजमान है, तृतीय स्थान यानी कि मेहनत पे केतु देव विराजमान है। इस समय मेहनत बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज चुकने का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य आपका बढ़ेगा, विदेश जाने के योग प्राप्त होंगे। अगर पॉलिटिक्स में है तो आपका पद और कद दोनों ही बढ़ने वाला है, धन की स्थिति अच्छी होने वाली है। प्रॉपर्टी के मामले में इस समय नई छत आपके ऊपर आने वाली है, मतलब कि नया मकान बनने वाला है। अगर बहुत अधिक समय से सोच रहे हैं मकान लेने का, इस समय मकान अवश्य रूप से ले पाएंगे। करियर वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है समय, नए व्यवसाय के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रयासरत है, या तो पदोन्नति होगी या तो नया जॉब अवश्य रूप से लगेगी। और वहीं पर शनि की दृष्टि द्वितीय स्थान पर जा रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा खर्च पे नियंत्रण रखना है, अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पंचम स्थान पे भी दृष्टि जा रही है, इस कारणवश प्रेम जीवन में थोड़ी सी खिटपिट हो सकती है, लव लाइफ में थोड़ी सी स्थिति बिगड़ सकती है, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको बन सकती है। वहीं पर कर्म स्थान को देख रहे हैं, कर्म स्थान पे गुरुदेव बैठे हुए, देव गुरु बृहस्पति, कर्म अच्छा होगा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान है। नौकरी को लेकर, कर्म को लेकर बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे, कोई चिंता का विषय नहीं है। धन की स्थिति अच्छी बन रही है, कर्म की स्थिति अच्छी बन रही है, कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी बन रही है। राहु कोई भी भाग्य में बैठ के बिगाड़ नहीं रहे, इसलिए चिंता का स्थिति नहीं है, पर थोड़ा सा भ्रम बना सकते, थोड़ा सा कंफ्यूज बना सकते, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी डाल सकते, कंफ्यूज बनाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कंफ्यूज ना हो, जल्दबाजी में निर्णय ना ले, सोच समझ के निर्णय ले। तो कर्क राशि वालों के लिए ये स्थिति 2024 में रहने वाली है आर्थिक स्थिति को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए पूरा साल 12 महीने कैसा जाने वाला है, हर ग्रह की क्या पोजिशन रहने वाली है, ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहने वाली है, हर महीना कैसा जाने वाला है, तो उसके ऊपर अगर वीडियो बनाऊं तो फुल वीडियो अगर मैं बनाना चाहूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखिएगा, तो अगला वीडियो फुल वीडियो मैं बनाऊंगा पूरे 2024 के साल में हर महीना उनके लिए कैसा जाएगा, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, उपाय के रूप में आपका ये वीडियो लेकर आऊंगा। हर हर। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।